हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज अपने मामा के यहाँ आया हूँ। मेरे मामा के छोटे लड़के की आज शादी है, तो बारात में जाने के लिए आए हुए हैं नेते में अपना मम्मी को लेकर। साथ में मामा के यहाँ बैठा हूँ, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड एकदम देसी गांव का अपना, पूरी ये सब पीछे घर के साइड बैठा हूँ, आराम से हवा ले रहा हूँ। गर्मियों के सीज़न में शादी में तो भाई ऐसी ही थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं। और ये जो कि चित्रकूट ज़िले में है, चित्रकूट के लालता रोड मऊ जो है चित्रवार गांव में है हम हैं अभी। और ये ब्लॉग डालते डालते काफ़ी टाइम भी हो जाएगा एडिट वडिट करके, तो आप लोग देखना और आपको दिखाऊंगा शादी में हम लोग कैसे यहां का प्रोग्राम और फंक्शन होता है, सारा कुछ रिकॉर्ड करूंगा इस ब्लॉग में। आप देखना और बने रहना मेरे कैमरे के जरिए, और जैसा भी आप लोगों को लगेगा आप कमेंट में बताना। तो सुबह मैं आया हूँ मम्मी को लेकर, और अभी 11-12 बज रहे हैं, दो तीन घंटे बाद बारात की तैयारी होगी। तो बाकी आपको सारा सिस्टम दिखाया जाएगा बारात में, और उसके बाद क्या यहाँ सिस्टम है, मामा मामी नाना वगैरह सबको आपको रिकॉर्ड करके यहाँ का लोकेशन कैसा है। तो ये राजापुर एक जगह है जहाँ तुलसीदास जी हमारे रहते थे, हमारे रामचरितमानस के रचयिता, तो उन्हीं के पास में ये है हमारा ननिहाल नाना का घर, नाना नानी मामा मामी का घर। हमारे मामा तो 5 भाई हैं और मेरे नाना लोग भी 5 भाई थे, तो इस तरीके के मेरे नानी नहीं जी, मतलब नानी मेरी एक्सपायर हो गई है, नाना जी हैं और मामा लोग भी सारे हैं, सब बढ़िया हैं। इनके बच्चे अपना कर खा रहे हैं, बच्चे यहाँ नहा रहे हैं तो शोर शराबा अपना कर रहे हैं, तो खाना पीना हो रहा है, अभी खाना भी खाऊंगा, आगे आपको दिखाऊंगा। मम्मी इतना बिजी है, मौसी लोगों से मामी लोगों से बातचीत कर रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और शाम को आपको दिखाऊंगा धूम धड़ाका बाजे गाजे का किताब, आप लोग बताना। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। हाँ दोस्तों, खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर बैठे हैं ऐसे, यहाँ पर खाना खाया जाता है, खिलाते हैं। यहाँ की भाषा बोली कल्चर सब से हम आपको वापस कराएंगे। ये चित्रकूट जिला है, रीवा के पास, एमपी के पास। चलिए खाना खाते हैं, ये खाना है, खाएंगे पूरा ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये घर के अंदर का माहौल है, सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ मंडप है और हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। ये खाना है दोपहर का, बारात से पहले कच्चा खाना, तो इस तरीके से ये अचार है, चावल है, फ्राई दाल है, सब्जी भी रोटी है। और मम्मी मौसी लोग आपस में बात कर रहे हैं, बिट्टी है इधर, सब लोग बैठे हैं अपना, दीदी लोग, ये भाई हैं, इनकी शादी है विवेक भाई की, और इस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये मौसी और मम्मी, ये मौसी है और मम्मी है, इधर मामा की लड़की है, ये विवेक भाई है, इनकी शादी है, ये शादी का खाना खा रहे हैं। नहीं वो वीडियो नहीं बना रहे हैं वैसे, हम वीडियो बना रहे हैं ब्लॉग के लिए, यूट्यूब में डालेंगे, तो आप लोग देखना कैमरे में बने रहना और ब्लॉग में सारा आपको दिखाया जाएगा आगे का साथ किताब। हाँ तो दोस्तों, खाना पीना हो गया है, मामा के बड़े लड़के हमारे पिंटू भैया हैं, और शादी की तैयारियाँ सारी एकदम जोरों शोरों से हैं, बस अब शाम का इंतज़ार का होना कि ये वही सब बातचीत हो रही है कि क्या हिसाब किताब बनाया जाए शाम का। तो अपनी अलग अलग टीम है, जो भी हिसाब किताब एकदम सब क्लीन चिट वाले हिसाब किताब हैं यहाँ पे। तो कैसी तैयारी है, क्या हिसाब किताब है, क्या बताइए कुछ। हिसाब किताब तो ठीक ही चल रहा है, तैयारी अभी मतलब शुरू हो गई है बारात जाने के लिए। हाँ, साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं, नहीं रहते हैं। हाँ, और 6 बजे
शाम बारात यहाँ से निकलेगी, प्रस्थान करेगी मऊ कावरामपुर गाँव में। अच्छा, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आपके जानकारी के लिए मैंने सोचा बता दूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनका दोनों तरफ से मतलब न्योता है, मतलब लड़की पक्ष से भी है, लड़के साइड से तो लड़के के भाई भी हैं, तो मतलब डबल रिश्ता है। तो वही है कि अब आप लोग बताइए कि इनको वहाँ अभी से चले जाना चाहिए या इनको बारात के साथ जाना चाहिए, या फिर एक आदमी इधर से रहे या एक आदमी उधर से रहे। तो ये कह रहे हैं कि दोनों आदमी जो हैं क्या कहते हैं एक इधर से ही रहेगा। तो भाई ये तो मुझे लग रहा है गलत है, एक आदमी उधर से रहे एक आदमी उधर से रहे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि इनको क्या करना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय में, क्या बताएं, बताएंगे? बिल्कुल संबंध दोनों तरफ, दोनों अपने घर हैं और मतलब दोनों तरफ से हमें डेलिंग करना चाहिए। हाँ, मैंने दोनों तरफ से हमें करना है। हाँ, इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, ऐसा ही है। तो अभी आप कह मेरे ये कह रहे थे कि इधर से डेलिंग हो रही है, कांडे के उधर से बराबर है। हाँ, मतलब व्यवस्थाएँ अच्छी चल रही हैं दोनों तरफ से। तो भाई ऐसा भी होता है कि एक घर में दो भाई दो बहन एक शादी अभी भी होती है, ये जो कि मैं साक्षात प्रमाण है, ये हमारे मामा के लड़के हैं। नहीं तो एक घर में दो शादियाँ इनकी पहले हुई थी और एक छोटे भाई की भी जो दिखाया मैंने विवेक भाई की, उनकी भी हो रही है। तो बाकी आपको सीधा शाम को दिखाएंगे ब्लॉग में, नाच गाना जो भी है सारी तैयारियाँ ब्लॉग में, बने रहिएगा। चित्रकूट ज़िले में हैं हम और आप लोग अपना प्यार दीजिए, जो कि यूपी का एक ज़िला है और यहाँ पे तुलसीदास का भी किताब किताब है हमारे जो रामचरितमानस की बताया मैंने कि रचयिता हैं, तो अच्छा लग रहा है। बाकी जो भी वाइब है आपको दिखाएंगे यहाँ की गांव की, अपना एकदम देसी ठेठ। लगे रहिए भाई लोग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करिए यार, आप लोग करते नहीं हो। बने रहिए वीडियो में, थैंक यू सो मच।